नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आज कई दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही। मैं थोड़ा बाहर चली गई थी तो इधर वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं गाजर मटर की सब्जी। तो चलते हैं अपने वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। इधर मैं थोड़ा बाहर चली गई थी तो आपसे बातचीत नहीं हो पाई। तो आज कई दिनों बाद मैं लौट के आई हूँ। आज मैं गाजर और मटर की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये जाड़े की बिल्कुल फेवरेट सब्जी है और सभी के घरों में बनती है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अब मैं यूट्यूब में जो कुछ भी बनता हूँ आप सभी लोग जानते हो और सबके घरों में बनता है, दादी माँ नानी सभी बनाती हैं। लेकिन कुछ तो करना ही है, वो यूट्यूब का मतलब ही है, कुछ तो बना के दिखाओ। तो चलिए मैं ये गाजर मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें आलू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और आप लोग भी मत करिए, सिर्फ गाजर और मटर के इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैं गाजर ज़्यादा डालती हूँ और मटर थोड़ा कम डालती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो नमस्कार। चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, इसमें डालते हैं ये देखिए मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं वो डालिए, लेकिन मैं सरसों का तेल ही डालती हूँ, वो भी थोड़ा ही डालती हूँ, ये भी आप जानते हैं। तो अब ये चलिए मेरी सब्जी, हम लोग बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाते हैं। अब आप कैसे बनाते हो आप लोग भी बताइएगा। ये देखिए मेरी ये सामग्री है, ये देखिए ये मेरी गाजर है, मैंने गोल गोल काट ली है। ये मटर है, आप गाजर चाहें तो लंबी भी काट सकते हैं, लेकिन सब्जी में ये गोल गाजर जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसों में काट के रख लिया, पहले इसको धुल लिया, साफ कर लिया। वैसे ये आपको मैं बताऊँ, मेरी मटर 2-3 दिन की हो गई, मैं चली गई थी फ्रिज बंद करके, तो फिर भी ठीक है। ये देखिए तो ये गाजर है, ये मटर है। अब चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सब्जी। तेल मेरा गर्म हो जाता है, इसके बाद हम डालते हैं इसमें थोड़ा 1 चम्मच जीरा। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, सिंपल सी सब्जी है हमारी, आपको पसंद आने वाली है ये हमें भरोसा है। तेल थोड़ा गर्म हो जाता है, इसके बाद देखिए तेल हो गया, इसमें मैं 1 स्पून जीरा डाल देती हूँ। गैस को स्लो कर देंगे, जीरा डाला है, जीरा देखिए तड़क रहा है, इसके साथ ही हम डाल देते हैं प्याज। प्याज भी थोड़ा ही डालते हैं। अब इसको हम भून लेंगे। देखिए ये गाजर मेरी, ये प्याज मेरा भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं गाजर, ये मैंने भून के रख दिया था। देखिए गाजर आप जितनी डालें, जैसे 2 कटोरी या 3 गाजर है तो 1 ही कटोरी मटर डालें, तो मटर कम डालें तो गाजर ज़्यादा चमकती है, शाइनिंग मारती है। देखिए तो मटर कम डालें, एज यू लाइक, आपको जैसा पसंद हो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए बस, अब इसको क्या करेंगे, आँच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। इसे सूखी कोई भी सब्जी आप बनाइए उससे पानी मत डालिए, पानी डालने से इसका स्वाद खराब हो जाता है, वो मज़ा नहीं देता है। इसमें सिर्फ हम डालेंगे हल्दी, क्योंकि गाजर में खुद अपना एक कलर होता है जो बड़ा अट्रैक्टिव कलर होता है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, नमक से गाजर गल जाएगी मेरी। इसको चलाएंगे। अब इस सब्जी में मुझे धैर्य की ज़रूरत होती है, मतलब पेशेंस की, क्योंकि इसमें पानी पड़ता नहीं है, तो ये सब्जी हमारी देर तक पकती है। बहुत धीमी आंच पे आप इसको पकाएं, बिल्कुल गैस को स्लो कर दें, भूल ही जाएं कि गैस जल रही है। और ये देखिए अब इसको ऐसे बंद कर दें, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। ऐसे ढक के धीमी आंच से इसको पकाते रहेंगे। तो ये दोस्तों जब तक सब्जी पकती है तब तक हम दूसरा काम करते हैं। ये देखिए 5 मिनट में इसको हम एक बार खोल के उलटते पलटते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। ये और पानी इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डालते और आप भी मत डालिएगा, थोड़ा सा हिलाते रहें जिससे ये चिपक न, नीचे मतलब गाजर जो हमारी है वो कढ़ाही में चिपक न जाए। ये देखिए हमारे घर में ये सब्जी सबको बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। अब इसको हम फिर से बंद करेंगे, कम से कम 10 मिनट का टाइम लेती है ये। मैंने बताया पहले ही कि इस सब्जी को बनाने में आपको धैर्य की ज़रूरत होती है।
देखिए मेरी गाजर मटर सब पक गई है, ये तो आप लोग भी इसको बनाइए। अब इस पे लास्ट में देखिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जीरा प्याज डाला है। अब थोड़ा सा अगर आपको जरा सा तीखा पसंद हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिए, इससे ज़्यादा हम लोग खाते नहीं तीखा। ये अगर आपको पसंद तो थोड़ा ये चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। और अब जरा सा इसमें स्वाद के लिए देसी घी डाल देते हैं, थोड़ा सा स्वाद के लिए। अब इसको मिक्स कर देते हैं। देसी घी का एक अलग फ्लेवर होता है गाजर मटर की सब्जी में। और देखिए एक बात चीज़ और होती है, देखिए चमक से आ जाती, शाइनिंग जिसको बोलते हैं। ये देखिए तो अब हमारी सब्जी बनके रेडी है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया। ये देखिए स्वाद के अकॉर्डिंग बहुत ही मस्त सब्जी बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। अब इसकी हम कर देते हैं प्लेटिंग। देखिए मेरी गाजर मटर की गैस बंद कर देते हैं। अगर थोड़ी बहुत कच्ची रह जाए तो जरा सा पानी का छींटा भी आप मार सकते हैं, लेकिन अगर पानी छींटा ना मारें तो ज़्यादा ही अच्छा है। इसको क्या करें, आप नीचे कोई तवा रख दें बड़ा, पहले तो इसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर थाली ढक के थोड़े लकड़ी के अंगारे रख दिए जाते थे, लेकिन अब वो सब कुछ है नहीं। तो ऐसा करिए कि तवा गर्म कर लीजिए और तवा गर्म करके उसी में ये गैस बंद करके, तवा गर्म हो जाए गैस बंद कर दीजिए, ये कढ़ाई की सब्जी उसी में रख दीजिए। तो बहुत अपने आप से धीमी आंच पे पक के आपकी गाजर की सब्जी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपकी आपको मेरी गाजर मटर की सब्जी? डाल देते थोड़ा ऊपर से हरी धनिया। देखिए कैसी लग रही है आपको, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई और बहुत जल्दी, क्विक और इजी, कुछ भी नहीं, सिर्फ जीरा प्याज जरा सा, बाकी मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। ये देखिए और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी और जाड़े में बहुत ही फायदेमंद। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ नमस्कार।